हेलो फ्रेंड्स एंड फूडीज, दिस इज आशीष एंड आई वेलकम यू टू एक प्लेट मुंबई। और आज हम लोग आए हैं हमारे नेक्स्ट एक्सप्लोरेशन के लिए वसई वेस्ट में। और हमारा क्या एक्सप्लोरेशन है, क्या डिश है, एज ऑलवेज यू नो मैं वहीं पे जाके बताने वाला हूँ। सो लेट्स एक्सप्लोर। सो गाइस, फाइनली मैं आ पहुंचा हूँ वसई वेस्ट, अंबाड़ी रोड 60 फीट के बिल्कुल सामने। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं वसई वेस्ट का खाऊ गली। और यहाँ पर बहुत टेम्पटिंग स्पॉट्स हैं, बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए। सो मैं क्या एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्या डिश है, वो तो एज ऑलवेज वहाँ जाकर ही पता चलेगा। सो लेट्स गो। एंड येस गाइज, हम लोग स्पॉट पर आ चुके हैं जिसका नाम है संगीता पानीपुरी सेंटर, जो कि मेरे एक फ्रेंड ने एक्चुअली मुझे रेकमेंड किया था कि वसई वेस्ट में खाऊ गली में बहुत ही अच्छा स्पॉट है। ऐसे ही मैंने जो है अपना फट से फर्स्ट राउंड ले लिया है, जो कि है सेवपुरी। एक्चुअली बहुत सारे एपिसोड्स हो गए थे मैंने सेवपुरी नहीं ट्राई किया था। एक्चुअली बहुत सारी डिशेस ट्राई की हम लोग ने, मिसल तो बहुत ज्यादा ट्राई की, वड़ा पाव ट्राई किए और बहुत सारी चीजें। ये हम लोग ने बहुत वक्त तक अवॉइड कर दिया था, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई करें। हम लोग ने परेल में शायद ट्राई किया था अमेरिकन सेवपुरी और दही पूरी वगैरह, मुझे याद आ रहा है। तो सेवपुरी आ चुका है। सो यस, सेवपुरी बहुत टेम्पटिंग है एज ऑलवेज। ये अच्छा दिख रहा है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। पता नहीं आप सोच रहे होंगे इसका खुशबू कैसा आता होगा, आई डोंट नो, खुशबू नहीं आता, इसका चटनी का ही खुशबू होता है। हाथ सैनिटाइज कर चुका हूँ मैं अभी आते सही। नाइस गाइस, एक चीज मैंने नोटिस की, इन लोग की सेवपुरी में जो आलू का मैश यूज कर रहे हैं वो लोग प्रॉपर एक बहुत ही स्मूथ मैश उन लोग ने बना के रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आलू की सब्जी कोई भी चंक नहीं आ रहा है, कोई भी सॉलिड नहीं आ रहा है, जो है मैश इन लोग ने यूज किया है आलू का, विच इज अ वेरी नाइस मैश। चटनी इन लोग की दो बहुत ही अच्छी है, ग्रीन चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, लहसुन की रेड चटनी इज ऑल्सो वेरी नाइस। सेवपुरी जो है बहुत ही अच्छा था, आई विश थोड़ा और स्वीट होता क्योंकि थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा स्पाइसी हो गया था, थोड़ा और मीठा होता तो बैलेंस हो जाता कम्प्लीटली। ओवरऑल इट वॉज अ रियली नाइस सेवपुरी। नाउ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट डिश हो ऑब्वियसली चाट का ही होने वाला है, वो क्या हो, लेकिन वो ज्यादा अच्छा हो। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सो गाइज, हमारा फर्स्ट राउंड हो चुका है, क्लासिक था टेस्ट, बहुत ही अच्छा था। सिर्फ मैं थोड़ा सा जो है ब्लेंड मिस कर रहा हूँ कि वो एक्चुअली खट्टा मीठा तीखा जो है कंप्लीट तरीके से ब्लेंड हो जाता तो मजा आ जाता। फिर टेस्ट मुझे जो है मीठा आ रहा था, हाउएवर तीखा मुझे बहुत पहले लग रहा था। लेकिन अब मेरे पास जो आ चुकी है उसके बारे में मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि ये जो डिश है ये इंडिया की क्लासिक ऑल टाइम फेवरेट, द प्राइमरी, द बेसिक, फर्स्ट 5 में आने वाली स्ट्रीट फूड है, जो की है द भेलपुरी। सारे एपिसोड्स में दिस इज द फर्स्ट टाइम जो है हम लोग भेलपुरी शूट कर रहे हैं। सो इसका यू कैसा होगा मैं बताना चाहूंगा। दिस इज मोर ऑफ चटपटा और काइंड ऑफ टवर्ड्स खट्टा, लेकिन ये काइंड ऑफ तीखा होता तो मजा आ जाता, मतलब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया। सेवपुरी को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा मीठा हो, और इसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा था थोड़ा सा तीखा हो, मैं वो कुरमुरा सेव एंड सबसे ज्यादा तो इसमें जो है दाल यूज की है, मूंग दाल, चना दाल और सींग इसमें बहुत अच्छी तरीके से यूज किया है। एक और चीज है जो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा प्याज कम लग रहा है और थोड़ा सा टमाटर भी, लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यू विल रिग्रेट फॉर श्योर, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अच्छी तरीके हो गया। ऐसा नहीं कि भेलपुरी कभी कभी ड्राई लगता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सॉगी लगता है, तो बैलेंस के मामले में इट इज परफेक्ट। इन लोगों ने कच्चा केले भी यूज किया। सो आफ्टर दिस ऑब्वियसली मेरा एक्सपेक्टेशन टुवर्ड्स द नेक्स्ट राउंड और भी बढ़ गया है, सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट मी ईट। यस, अभी मेरे पास आ चुका है मेरा थर्ड राउंड, जो कि है दही पूरी। मैंने खाया सेव पूरी, भेलपुरी और दही पूरी खा रहा हूँ। एक्चुअली दही पूरी जो है मैं सेकंड टाइम खा रहा हूँ, मैंने अमेरिकन जहाँ पे खाया था वहाँ पे भी उसको फर्स्ट टाइम खाया था। सो आज के लिए अब मैं खा रहा हूँ यहाँ पर दही पूरी, और इसको ज़्यादा सॉगी होने से पहले मैं खाऊँगा। Literally, you won't believe. You believe it or not, I don't care. लेकिन literally मैंने मुंह में पूरी रखते हुए वो melt हो गई, literally melt हो गई। सेव का और जो उसमें वो प्याज है वगैरह, रगड़ा भी बहुत जो है उसमें जो बहुत mild है। दही जो है बहुत अच्छा है, ना ही खट्टा है ना ही मीठा है, it is neutral. चाट मसाला बहुत अच्छे से टेस्ट दे रहा है, जो उसने ऊपर से स्प्रिंकल किया है बहुत अच्छा था। सो मैं एक पूरी ऑलरेडी आपके सामने खा चुका हूँ, मैं दूसरी वापस दही खाने वाला हूँ आपके सामने, वो मैं खाने वाला हूँ ऑफ कैमरा। So now you'll see me in the next round. So tab tak, bye bye. So
सो गाइज मेरा फोर्थ राउंड आ चुका है जो कि है रगड़ा पैटीज। बाकी के डिशेस से ये थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें पूरी का कंटेंट है। अभी इस डिश के बारे में बात करूँ तो मैं इसके लिए थोड़ा सा वरिड था क्योंकि रगड़ा पैटीज जो है हर जगह का थोड़ा सा जो है डिफरेंट होता है। कहीं जगह बहुत पतला पतला होता है, कहीं जगह थोड़ा सा ग्रेवी जैसा होता है। यहाँ पे जो है लोग आलू का रगड़ा डाला है, आलू का मैश डाला हुआ है, बीच बीच में हल्का जो है वो ब्लैंड लग रहा है क्योंकि मुझे चंक आ रहे हैं। दैट इज व्हाट आई डोंट लाइक अबाउट द पैटी, कि अगर आपको कोई चंक आए तो दैट इज नॉट वेरी टेस्टफुल क्योंकि उसमें जो है सॉल्ट का टेस्ट नहीं पहुंच पाता, कभी कभी बीच में थोड़े चंक रह जाते हैं। पूरी का क्रंच बहुत अच्छे से आ रहा है, चटनियाँ बहुत अच्छे से बैलेंस कर रही है। इनकी मीठी चटनी एक्चुअली बहुत अच्छी है और एक चीज इनकी लहसुन का जो रेड चटनी है वो भी अच्छा है। सो ऑल इन ऑल मैं ये नहीं कहूँगा कि दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रगड़ा पूरी, लेकिन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। लेकिन मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है वो दही पूरी था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं था, बहुत ज़्यादा माइल्ड नहीं था, तो ये बहुत अच्छा था। ऑल इन ऑल इनकी चारों डिशेस बहुत अच्छी थी और अब मैं होप कर रहा हूँ कि मुझे उनके साथ बात करने का मौका मिले, लेकिन आज संडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, मुझे ही मेरी डिशेस बहुत लेट मिल रही थी, दोनों के पास बिल्कुल टाइम नहीं है बात करने का। आई होप कि अगर बात करने मिले तो बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई स्टिल ट्राई। जी फाइनली यहाँ पे मेरा राउंड हो चुके हैं, अब मैं बात करने वाला हूँ सर से। जी सर, आपका नाम जान सकता हूँ? संतोष जायसवाल। संतोष जायसवाल जी, जैसे मेरे दोस्त ने बताया जो चाट है एक नंबर था, बहुत ही बढ़िया था, सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे जो है आपका जो दही पूरी था। तो मैं आप मुझे बता सकते हैं ये स्पॉट कितने टाइम से आप ये गाड़ी चला रहे हैं? 30 साल हो गया, 30 साल इसी जगह पे। 30 साल नहीं, पहला कुबेरा होटल के पास था। अच्छा, फिर साईनगर में आया, फिर यहाँ पे आया। ओके, तो ये 30 साल से जो है यहाँ पे चाट, तभी वहाँ पे चाट ही था। चाट ही था, ये बहुत ही जो है बढ़िया चाट है, 30 साल से ये बना रहे हैं, यही इतनी सारी चीजें वहीं पर भी थी तब से। अच्छा, ओके ओके। और एक चीज मुझे बताइए, सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? हर चीज बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। आपने कभी सोचा कि इसमें आपको और कुछ कोई चीज चाट बढ़ाना है? इसके लिए आगे कुछ सोचे नहीं है। एक्चुअली अच्छा है क्योंकि आपका पूरा ध्यान इसी पर रहेगा तो और ज्यादा अच्छे से रहेगा। दोस्त को थैंक यू कहूंगा, आपको थैंक यू कहूंगा कि मुझे यहाँ पे टेस्ट करने मिला, और हमारी टीम की तरफ से आपको एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन दूंगा, छोटा सा थैंक यू हमारी तरफ से। तो गाइस आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एक्चुअली चटपटा चाट के जैसा एक्सपीरियंस था, बहुत टाइम के बाद मैंने चाट खाया तो मज़ा तो बहुत आ गया। आई एम रियली स्टफ, मैंने 4 डिशेस खाई हैं और अब मैं खा रहा हूँ सूखा पूरी। इसका ये तो कितना भी भाई तुम फुल हो जाओ, ये खाए बिना तुम यहाँ से जा नहीं सकते। जैसे मंदिर का प्रसाद होता है वैसे चाट वाले का सूखा पूरी प्रसाद होता है। तो ये खाने के बाद मैं यहाँ से आने वाला हूँ कल्टी। लेकिन आप लोग अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर ज़रूर आइए, अगर आप वैसे ही रहते हैं या वैसे ही से बाहर भी अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आइए। अबाड़ी रोड पे 60 फीट के बिल्कुल सामने, सारस्वत बैंक के बिल्कुल क्रॉस रोड पे पीछे मेरे गार्डन है, लैंडमार्क बहुत इजी है, स्टेशन से बिल्कुल पास में है ये स्पॉट, तो यहाँ पर ज़रूर आइए। यहाँ की सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी है, चटपटी है, आप रिग्रेट बिल्कुल नहीं करेंगे। और एक चीज़, अगर आप चाहते हैं कि हमें कोई स्पॉट सजेस्ट करना ताकि हम वहाँ पर जाके एक्सप्लोर कर सके, तो हमारे नंबर जो है आपको डिस्प्ले किए जाएंगे स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में भी, तो ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ऐसे ही जो है हमें स्पॉट सजेस्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक प्लेट मुंबई।